दोस्तों सुनील नारायण की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और रसेल की किफायती गेंदबाजी से केकेआर ने एलएसजी को हराकर पहुंची आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में। जीत के बाद पूरी केकेआर टीम में दौड़ी खुशी की लहर, जबकि हार से लखनऊ टीम को लगा पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका। प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते हुई कठिन, अब प्लेऑफ में जाने के लिए करना होगा कड़ी मेहनत। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, आखिरकार कैसे केकेआर ने एलएसजी को हराकर राजस्थान के बाद प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और कैसे हार से लखनऊ टीम को लग चुका है बड़ा झटका, प्लेऑफ में जाना भी हो गया है मुश्किल, बताएंगे पूरी खबर की जानकारी आज की वीडियो में। अगर आप भी हैं कोलकाता नाइट रीडर और सरिस अय्यर के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि आज आईपीएल 2024 का 55वां रोमांचक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट रीडर टीम के बीच खेला गया, जहां पर आज आपको बताएं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले टॉस जीती और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और केकेआर को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। तो वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर टीम ने शुरुआत बहुत ही ताबड़तोड़ की। हर बार की तरह ओपनिंग करने आए फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने शुरुआती ओवर से ही शानदार बल्लेबाजी किए और पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए और एक विकेट खोकर 70 रन ठोक दिए, मगर पावर प्ले में फिल सॉल्ट 32 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 61 रनों की अच्छी सहदारी हुई। फिर क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए रघुवंशी ने सुनील नारायण का अच्छा साथ निभाया और बेहतरीन 32 रन बनाकर वापस लौटे। रघुवंशी और सुनील नारायण के बीच 79 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई। हालांकि इसके बाद भी दोस्तों लखनऊ के गेंदबाजों की कहर जारी रही और रसेल और रिंकू को जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद फिर बल्लेबाजी करने आए कप्तान सरेश अय्यर और रमनदीप ने अंतिम के ओवर में तूफानी बल्लेबाजी किए और केकेआर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। और फिर निर्धारित 20 ओवर में 235 रनों का बड़ा टारगेट 6 विकेट खोकर एलएसजी के सामने सेट कर दिया। केकेआर की ओर से सबसे ज्यादा सुनील नारायण ने 39 गेंदों में 81 रन बनाए, तो ही सरेश अय्यर 23 रन और रमनदीप ने 25 रन बनाए, जबकि एलएसजी की ओर से नवीन उल हक को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले। वहीं इसके जवाब में दोस्तों 236 रनों के बड़े टारगेट को चेज करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत खराब रही। कप्तान केएल राहुल के साथ बल्लेबाजी करने आए कुलकर्णी मात्र 9 रन बनाकर पावर प्ले के अंदर जल्दी वापस लौट गए। फिर बल्लेबाजी करने आए मार्कस अस्टोनिस ने केएल राहुल के साथ मिलकर तूफानी पारी खेले और पावर प्ले में 54 रन बना दिए। और इसके बाद दोनों बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, मगर फिर केकेआर के गेंदबाजों ने जबरदस्त कमबैक किया और इन दोनों की पार्टनरशिप को तोड़कर अच्छी वापसी किए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई, जिसके बाद दोस्तों फिर लखनऊ टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई और फिर केकेआर की किफायती गेंदबाजी के आगे फिर कभी मुकाबले में वापसी नहीं कर पाए और मुकाबले को हार गई। इस मुकाबले को जीतते ही दोस्तों आपको बताएं कि केकेआर टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, जबकि हार से एलएसजी टीम को लग चुका है बड़ा झटका। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस रोमांचक मुकाबले के बाद आईपीएल 2024 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल के पहले पोजीशन पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है और राजस्थान टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 10 मुकाबला खेली है, जिसमें आरा टीम 8 मुकाबला जीती है और मात्र 2 मुकाबले हारी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आरा टीम के फिलहाल 16 अंक है। वहीं दूसरे पोजीशन पर दोस्तों कोलकाता नाइट रीडर की टीम आ गई है। केकेआर टीम अब तक कुल 11 मुकाबले खेली है, जिसमें केकेआर 8 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबला हारी है। पॉइंट्स टेबल पर केकेआर टीम के फिलहाल 16 अंक है। वहीं तीसरे पोजीशन पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खिसक गई है और सीएसके अब तक आईपीएल में कुल 11 मुकाबले खेली है, जिसमें सीएसके 6 मुकाबले जीती है जबकि 5 में उसे हार मिली है। पॉइंट्स टेबल पर सीएसके टीम के 12 अंक है। वहीं चौथे पोजीशन पर सनराइजर हैदराबाद की टीम आ गई है और एसआरएच अब तक कुल 10 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें एसआरएच 6 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर एसआरएच टीम के फिलहाल 12 अंक है। वहीं पॉइंट्स टेबल के पांचवें पोजीशन पर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खिसक गई है। एलएसजी अब तक कुल 11 मुकाबले खेली है, जिसमें 6 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है। एलएसजी के पॉइंट्स टेबल पर 12 अंक है। वहीं छठे पोजीशन पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और डीसी अब तक कुल 11 मुकाबले खेली है, जिसमें डीसी 5 मुकाबले जीती है और 6 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर डीसी टीम के फिलहाल 10 अंक है।
वहीं सातवें पोजीशन पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम आ गई है। आरसीबी अब तक कुल 11 मुकाबले खेली है, जिसमें आरसीबी 4 मुकाबले जीती है और 7 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी टीम के फिलहाल 8 अंक है। वहीं आठवें पोजीशन पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जो अब तक कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें पंजाब 4 मुकाबले जीती है और 7 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों पंजाब किंग्स के 8 अंक है। वहीं नौवें पोजीशन पर गुजरात टाइटंस की टीम पहुंच गई है, जहां जीटी अब तक कुल 11 मुकाबले खेली है, जिसमें जीटी 4 मुकाबले जीती है और 7 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों जीटी टीम के 8 अंक है। वहीं पॉइंट्स टेबल के आखिरी और 10वें पोजीशन पर मुंबई इंडियंस की टीम बनी हुई है। एमआई टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 11 मुकाबले खेली है, जिसमें एमआई 3 मुकाबले जीती है जबकि 8 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर मुंबई इंडियंस टीम के फिलहाल 6 अंक है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आईपीएल 2024 का ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।